ओवर बनते बाद गुजरात में बुलेट ट्रेन चलते बा। अरे भाई, जिस चीज पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको कम चाहे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब आप शिक्षा पर वोट ही नहीं दे रहे हैं, बिहार के विकास के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, तो सुधरी कैसे? नहीं सुधर सकता है। इसीलिए ये पदयात्रा कर रहे हैं, गांव गांव जाकर ये बताने के लिए, समझाने के लिए, वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई अगर आप अपने और अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? देखिए, आदमी कहते कि नेता सब जात के राजनीति करता, हम आपको बता रहे हैं कोई नेता भी जात का राजनीति नहीं कर रहा। अभी वैसे पूछो कि जात के राजनीति क्या करता बिहार में, तो तुरंत आदमी को कहेंगे देखिए लालू जी जात के राजनीति करता। हम आपको बता रहे हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं कर रहे, आपको अभी एक मिनट में समझाते हैं। लालू जी इनखन न कहत कि भाई जादव समाज में जे के ही आदमी बिहार के मुखिया बनी, जे काबिल बाबू जादव समाज के आदमी मुखिया बनी, और सब जादव जी भाई लोग आप लोग हम आरजेडी को वोट दीजिए, लालू जी नहीं ना कह रहे हैं। लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा और सब जादव जी भाई लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। तो भाई लालू जी जात के राजनीति कहाँ करता है? लालू जी तो अपन परिवार के अपन लड़का के चिंता करता है, अपन स्वार्थ के राजनीति करता है। जात तो रउआ दिमाग में बैठल बा, मांझी जी उहे करता है। कोनो पंडित के नेता हो जाए तो ये कही, कोई कुशवाहा के नेता हो गए, कोई दलित के नेता हो गए, कोई मुसलमान के नेता हो गए, जे नेता बा वो अपन चिंता करता, अपन लड़का के चिंता करता। जात में रउआ और हम अझुराइल बानी जाए, अगर जात के राजनीति करते लालू जी मांझी जी तो सारा मुसहर समाज तो बढ़िया हो गए रहित में भाई। कम से कम मांझी जी तो रहन ना मुख्यमंत्री, कै गो मुसहर समाज के आदमी के कल्याण हो गए हमरा के बताई, कै गो पंडित जी लोग सुधर गए जगन्नाथ मिश्रा हो हम तो, लालू जी के होके से सब जादव जी सब मुसलमान भाई लोग अच्छा हो गए जा। जो नीचे गरीब है वो तो उसी दुर्दशा में जी रहा है। आपको इस दिमाग में चक्कर में घुसे हुए हैं जात के राजनीति, जात के राजनीति। बिहार में सारा दुर्दशा का कारण जात नहीं है खाली। देखिए बिहार में हमने के राजनीति के खूब समझ बा, और कुछ ऐसा होके चाहे ना, जहां चार आदमी बैठ जाए बिहार में, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां पांच आदमी को बैठा दी वो राजनीति बतियाई, ए भाई बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया इधर सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लैकन के पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, 2000 के धान रोवा 1500 में बेचता नहीं, 277 की यूरिया 500 में खरीदता नहीं, सब दिक्कत बा। लेकिन जहिया वोट हो तो सारा ज्ञानी आदमी सब बात भुला जइह। वोट के दिन बिहार में आदमी के चारे को बात याद बा, पहला बात भाई हमार जात का बा, अके हमारा जात के खड़ा बचल ओकरे के वोट दिया, जिन जात से बच गए ओकरा के धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया था। काल तक देख लो कब 2019 में आदमी संकल्प ले ले रहन के अब के हाली ना दे भाजपा के वोट, सांसद महोदय काम नहीं कैले। आ चुनाव के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले पुलवामा हो गई तो सब आदमी कहता अरे ऊपर देखो ऊपर, मोदी जी के देख जब पाकिस्तान हो गए पुलवामा हो गए तो नली गली में जुड़ाइल बढ़ा, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। तो जे जात से बचल धर्म में फंस गए, जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जायद भैया कतनों खराब बा, हमने के कतनों दुर्दशा बा, रवा जानत नहीं कि न पहले लालू जी के जो अपराध वाला राज रहे उ ना चाही रे भाई, बाप रे बाप। 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रहे, घर में घुस के अपहरण होत रहे, गोली चलत रहे, तो काल तक रुआ संकल्प ले ले रहे कि अब की हाली है भाजपा के सांसद विधायक के ना जिताई, लेकिन फिर चुनाव के समय हल्ला हो जाय, अरे बाप रे बाप लालटेन जीतता। आदमी कहे छोड़ो भाई जौन बातन बा एकरे के दो ना, तो फिर लालटेन आ जीत बड़ा दिक्कत बा। आ चौथा हमने के बारन जो मुसलमान भाई लोग, इन लोग के दुर्दशा समझ जाए कि दलित के बाद बिहार में सबसे ज्यादा दुर्दशा मुसलमानों का है, सबसे ज्यादा गरीबी फटहाल बेदहाली मुसलमानों के बीच में है,
लेकिन ये लोग कहते कि भी हमने के जियल जाओ चाहे मरल जाए, भाजपा के ना वोट दिया। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, तो भैया बिहार में बचल के, बिहार में तो दुए गो न दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो पते नहीं खे, कभी ललटेन पकड़ के लटकल बान, कभी कमल के फूल पर बैठ के पाव रखा। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो ही ललटेने लौकत, ही में हमने के किरासन तेल बत्ती बन के जरल दे। आप ईमानदारी से रोवा सब बताई जाए, यही चार चीज पर वोट दिया था भैया, तो काहे के माथा पीटता नहीं रोवा झूठो के। ए भैया शिक्षा सुधारी, ए भैया भ्रष्टाचार कम करी, अरे तो रोवा के हमू कहता नहीं, ए भैया वोटवा ठीक से दी। जब आप वोट ही नहीं दीजिएगा ठीक से, तो भैया सुधार दियन, बहिना जी सुधार दियन। आदमी कहता कि प्रशांत किशोराई बहन बड़ा होशियार बहन, ही सुधार सकेलन। हम रोवा के कहता नहीं, जे आवेला ये कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम अब की हाली आई में तो सुधार दे। तो हम रोवा कह रहा बानी, अगर हमरा के रोवा वोट दियो दे, तो हमारा एगो प्रशांत किशोर छोड़ी, दस गो प्रशांत किशोर आज हम तो वही सुधरे वाला नहीं थे। जब आप सुधरने के लिए तैयारे नहीं है, तो प्रशांत किशोर सुधार दियन, बिहार के जनता के प्रशांत किशोर सुधार सकेलन। ये नहीं सुधरने वाला है, काहे से कि आप जगने के लिए तैयारे नहीं है। हम चलो तनी रास्ता में, तो आदमी कहता है भैया रवा संगे तन मन धन से बानी, तो हम हाथ जोड़ी लग पहले कि हमारा संगे मत होगी रे भाई। जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं है, जब आप अपने बच्चे के साथ नहीं खड़ा है, जात के आगे धर्म के आगे, आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, आपको उसका कष्ट नहीं दिख रहा है। आपका लड़का आधा पेट खा के सो रहा है, आपको उसको नहीं दिख रहा है। राहुल लैकन के शरीर पर कपड़ा नहीं खे रहा, वो नहीं खेल लौकत रुआ, जात लौकता, भारत पाकिस्तान लौकता। तो जो समाज, जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हमको इतना पूर्वक समझते हैं आप हमारे साथ नहीं खड़ा होने वाले, इसीलिए सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि पहले संकल्प लीजिए कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा। हम दल काहे नहीं बनावो, सब है ये सोचता रवा दल बनाई भैया, अभी मन्यु जैसन चक्रव्यूह में रवा घुस जाए। हमने के तो बहरी बल्ले बनी जाते थप्पड़ी बजावे खातिर। आज यह वोटवा हो दिन अपने जात पर दे दिया जाए वोट, भारत पाकिस्तान पर दे दिया जाए, या फिर कहल जाए दिखाई ना बड़ा होशियार बन के हो गए ना, औकात दिख गए ना। अरे हमारा क्या औकात दिखाइएगा, हमारा बच्चा तो देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है, हम तो देश के सबसे बढ़िया जगह में रहते हैं, हमको क्या औकात दिखाइएगा। बहुत आदमी कहता कि देखो पगलाइल मान चलता 50 आदमी के संगे, कुछ ना हो इनका से बिहार में, जिसे बुझाता कि हमारे पर एहसान करता हूं। अरे नहीं होगा तो चिंता कीजिए कि आपके बच्चों का, आपके आने वाले पीढ़ी की क्या दुर्दशा होगी। आपको उसका दर्द नहीं है, दुख नहीं है, अपना के बहुत वीर बुझाता नहीं। तो तमिलनाडु में राहुल लेकर ना पिटाई, तो हमारे लेकर पिटाई, जब काहे तो बाप बाप करता नहीं, क्यों बाप बाप कर रहे हैं। जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो आपके बच्चे नहीं मारे जाएंगे तो किसके बच्चे मारे जाएंगे। कर्नाटक का, तमिलनाडु का लड़का आकर बिहार में मरा रहा है, वो बिहार में आता ही नहीं तो कैसे मारिएगा, काहे मारिएगा। आपके हमारे बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं 14,000-15,000 रुपया के लिए, हमने के आंखें नहीं खुलत तो सुधरी कैसे। देखिए बहुत आदमी बैठल मान जी, हमने के मोदी जी के वोट देले बानी जा, हम ही 14 में मोदी जी के प्रचार करत रही, 12 में, 13 में, 2012-13 में आधा से ज्यादा आदमी बिहार में मोदी जी के नाम ना सुन ले रहे। अब आज में इतना होशियार हम बन गए बड़न कि हमरे के समझावता, तारा बुझाता मोदी जी से देश के विकास हो, बन गए भक्त, नया भक्त। मोदी जी के देखले ना हो कभी टीवी छोड़ के कहीं दूसरा जगह, लेकिन उनका बुझाता कि मोदी जी देश के सुधरियन। चलो भाई मान लेनी मोदी जी सुधरियन देश के मुंह जोर से लड़े जाओ। तो हम रोज कहिला जितना आदमी भाजपा के भक्त बान कि मोदी जी देखी 9 बरिस से बान प्रधानमंत्री, मोदी जी के रहे से देश में विकास भइल कि ना, बिहार में विकास भइल कि ना, बिहार के फायदा नुकसान नफा नुकसान का भइल सब बात छोड़ दी, बिहार के लइकन के फायदा भइल कि ना इहो छोड़ दी,
आपको खुला चुनौती दे रहे हैं कैमरा पर, जितना भाजपा के जब वोटर बाढ़ सपोर्टर बाढ़ 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 9 बरस में टीवी वाला कहता अर्सन की रोज 14 घंटा 15 घंटा काम करता हूं। आप हमको एक प्रमाण दिखा दीजिए, एक और न्यूज के क्लिपिंग दिखा दी, गूगल में खोज के दिखा दी, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक 9 बरस में किया है, हमको प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से उनका झंडा लेकर चलने को तैयार, काल से भाजपा के झंडा लेकर चलो, पहले दिखावा कि मोदी जी एक वो बैठक कैले बड़न बिहार के विकास खातिर, काम हो चाहे ना बैठकों पर हमने के वोट नहीं जा दिले। अरे 40 में 39 को MP भाजपा के आदमी जीता के भेजले बा NDA के, और हमनी भर एगो मोदी जी के एगो बैठको ना करे के चाही, आ फिर एजा के आदमी उछल उछल के जाके कमल पर वोट दी हन, तो रउआ अपन भाग्य खातिर दुर्दशा खातिर रउआ नहीं जिम्मेवार, तो मोदी जी जिम्मेवार बड़न, यहाँ का आदमी जिम्मेवार है, आप सुधरने को तैयार नहीं है। 32 बरिस से लालू नीतीश बुझाते नहीं थे, हम अभी पैदल चलता रही तो रामनगर में को हमारा हजाम भेटाई हम, तो कोई कहले भैया पूछी इनका से लालू नीतीश के राज के बारे में, तो पूछने के अच्छा बताओ है भाई लालू जी के राज में नीतीश जी के राज में क्या फर्क बा, एक जना 15 साल चलेलन, एक आदमी 17 साल चलेलन, तो कहलस के भैया दोनों के राज में फर्क कुछ नहीं के, जनता के हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बनता, फर्क खाली इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रह सब और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहल वाला सब। लालू जी के राज में अपराधी जो था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो दीने में कलम लगाकर लूट रहा है, आ जैसे लालू जी के राज में अपराधी कोई से डरात ना रह सन, वैसे ही नीतीश कुमार के राज में अधिकारी भी कोई से डरात नहीं खसन, ये दुर्दशा है, लेकिन हमने के वोट जाके वही दिहल जाए तो सुधरी कैसे, आदमी कहता ना भैया सब बुझाता, हमने के विकल्प ना रहे, रउआ विकल्प बनाई, हम रोज पूछी ला तब रउआ काहे ना बनैले रही, अबले प्रशांत किशोर के इंतजार करत रही, आदमी कहता ना भैया अब हमने भी जो इतना संसाधन नहीं खे, ना व्यवस्था नहीं खे, ना इतना समझ नहीं खे, तो हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं संसाधन, हम बना रहे हैं व्यवस्था, हम आपकी रणनीति बनाते हैं, खड़ा होइए, अब तो खड़ा होइए, अपने बच्चे के लिए खड़ा होइए, और अगर नहीं खड़ा हो सकते हैं तो इसी दुर्दशा में जिंदा रहिए। आप सोच रहे हैं कि कोई मंगल ग्रह से आई या बिहार सुधार दी कभी हो सकेला, अरे तमिलनाडु को कर्नाटक गुजरात पंजाब को वहां के लोगों ने ना बनाया है कि बिहार का आदमी जाके बना दिया है, तो बिहार के सुधारे खातिर आदमी यहाँ पंजाब से, इसीलिए ये अभियान कर रहे हैं कि गांव शहर कस्बा देहात से जैसे दही के मत के मक्खन निकालल जाला, उसी तरह समाज को मत के ऐसे उन सारे लोगों को निकाले जो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है जिस पर जुड़कर आप वो व्यवस्था बना सकते हैं। आप समीकरण का चिंता मत कीजिए, चुनाव का चिंता मत कीजिए, संसाधन रणनीति का चिंता मत कीजिए, वो चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, आप अपने बच्चे के लिए खड़ा होइए, देखिए कैसे व्यवस्था बदलती है, और संकल्प लीजिए गाँव गाँव जाकर लोगों को सिखाइए कि भैया अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए, जिसको भी वोट देना है, लेकिन वोट पड़ना चाहिए खाली शिक्षा और रोजगार को। देखिए तेजस्वी यादव झूठे बोला है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, झूठ बोला सरासर, तो वो रोज बात होता है ना कि भैया कब देबो, देला कि ना देला, झूठ बोलन कि सच बोलन, कम से कम चर्चा तो होता ना रोजगार के, तो शिक्षा और रोजगार पर ही वोट पड़ना चाहिए, जिस दल को देना है वोट दीजिए, लेकिन वोट इसी दो बिंदुओं पर दीजिएगा तभी सुधरेगा। और दूसरी बात, बहुत दिन रवन नेता के देख के वोट दे लेनी, कभी नेता को का मुंह देख के दिए, कभी विचारधारा का, कभी झंडा का, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, संकल्प लीजिए कि अगली बार वोट अपने बच्चों के नाम पर देंगे और उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए देंगे, देखिए बिहार के सुधरने की शुरुआत हो जाएगी। बात समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जेकर झंडा लेकर चलता नहीं ओकर झंडा लेके चलत रही
आ गाना गावत रही आ खेत खलिहान में दलान में बैठ के बतियावत रही, उसे बिहार सुधरे वाला नहीं है, नहीं सुधर सकता है। ये जिम्मेवारी आपको हमको उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाइएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी गया है, इसी में आने वाली पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी जाएगी। कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा, बिहार और रसातल में चलता जाएगा। जेकरा भी जुन तनको मन का साधन होई, वो बिहार छोड़ के भागी, कोई पढ़े खाती भागी, कोई रोजगार खाती भागी। बिहार में खाली अक्षम और गरीब अनपढ़ बेरोजगार मजदूर लोग रह जाएंगे। इसलिए इस प्रयास को अगर जिंदा करना है, बिहार को जिंदा करना है, तो सबको आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। यही पूरा अभियान है जन सुराज का। हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं शुद्धता और ईमानदारी से जितना हो सकता है। आपको भी आह्वान दे कर रहे हैं, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। खाली प्रशांत किशोर के काम नहीं थे, आपके भविष्य का सवाल है, आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। आपके आपसे गलती जो पहले हो गई, आपके पूर्वजों से जो गलती अगर हो गई, तो अब आप खड़े होइए और संकल्प लीजिए एक बार कि भैया एक बार बिहार में अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। स्वार्थी बनिए। पूरा देश में आपको कहा जाता है कि देश के नाम पर वोट दीजिए, विचारधारा के नाम पर वोट दीजिए। हम आपको कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़िए, स्वार्थ देखिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी ना आप देश का, आप समाज का चिंता कीजिएगा। पूरा बिहार में आदमी अनपढ़ हो जाएगा तो उसे देश मजबूत हो कि कमजोर हो, देश के आमदनी आदमी के बाद 1,45,000, हमने के बाद 35,000, तो हमने के देश के नीचे खींचता नहीं जा कि ऊपर बढ़ावता नहीं जा। जो व्यक्ति अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो किसी समाज किसी राष्ट्र की चिंता नहीं कर सकता है। तो आप एक बार स्वार्थी बनिए, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। बिहार की शुरुआत, बिहार के सुधरने की शुरुआत उसी से होगी। और लंबा रास्ता है, इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। अब बाकी मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शाम की इस सभा में हम आपको अवसर भी देते हैं कि आपको जो सवाल करना है आप सवाल भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूंगा और आपको जिसको भी सवाल करना है, कोई सुझाव देना है, तो वो दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।